कहीं भी जाके। सुमन तुम्हें, सुमन तुम्हें क्या बात कर रही है? रणवीर मैं जो भी कह दूँ सोच समझ ले। सुमन तुम सब जानते हो। रणवीर प्लीज मेरी बात का मान रखे प्लीज। सुमन मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अगर रणवीर के लिए चाहता है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। नहीं सुना तुम यहाँ रणवीर की शादी की बात है तो शादी होने से पहले तुम कैसे जा सकते हो? चल थैंक यू सो मच। चलो पता जी। एक्चुअली एक बहुत बड़ा ड्रामा रिवील हुआ है कि बेसिकली सोनाली मेरे को बोलती है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, वो मुझे बहुत प्यार करती है और सुमन देख लेती है। तो रणवीर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है सुमन से, तो वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि सोनाली अभी तक प्यार करती है रणवीर से, लेकिन रणवीर बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। सो अब ये पॉइंट आ गया जहाँ पर उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो रणवीर ने एक स्टैंड लिया कि फाइनली अब सोनाली इस घर में नहीं रहेगी और वो किसी तरह उसको इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। बट पता नहीं सुमन का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो सोनाली को रोक लेती है। अब सोनाली रुक गई है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शादी होने वाली है और शादी में सोनाली डेफिनेटली कोई ना कोई गेम्स खेलेगी। तो डेफिनेटली ये जो शो का नाम है एक विवाह ऐसा भी, विवाह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कठिनाइयाँ आएंगी और सिंदूरा जी हैं जो नहीं चाहती कि शादी हो, अब सोनाली भी आ गई है तो जब ऑपोजिट पार्टी की टीम स्ट्रांग हो जाए तो रणवीर क्या करेगा। बट हाँ इट विल बी फन, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। जी बेसिकली मेरी मॉम तो कभी चाहती नहीं कि मेरी सुमन से शादी हो और उनको पहला बंदा मिला है जो इस शादी के अगेंस्ट है, तो डेफिनेटली वो होता है कि इसके साथ टीम अप करके थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएंगी और चाहेंगी कि ये शादी ना हो पाए। अब देखते हैं रणवीर और सुमन के प्यार में क्या प्यार कितना स्ट्रांग है, ये शादी होती है या नहीं, तो ये तो एक मिस्ट्री है। थैंक यू सो मच।